कितने गिव्स है इसमें? 4 गिव्स। नाइस। हाँ मेरे पास भी मेटल है। भाइयों के साथ, एक है नवीन, एक है रंजीत, और ये है इनकी मारुति सुजुकी ओमनी। चेक करो गाइस, ये 2004 का मॉडल है। इस गाड़ी को इन लोगों ने पूरा रिस्टोर किया है, एंड दे आर स्पेंडिंग वैन लाइफ इन इंडिया। इनका चैनल है सवारी एन, और ये बहुत ही क्रेजी एडवेंचर्स कर रहे हैं। अच्छा, बाय द वे, इस गाड़ी के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। ये गाड़ी बहुत पॉपुलर थी बच्चे चोरी करने के लिए, किडनैपिंग के लिए एक ज़माने में, और वो इसलिए था क्योंकि गाड़ी के अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा था और स्लाइडिंग डोर थे, तो किसी को भी अंदर खींच लो और पता भी नहीं चलता था। सो मोस्टली सारी मूवीज़ में आप देखो किडनैपिंग इन्हीं गाड़ियों में हुआ करती थी। जल्दी मनीष डोर ओपन करो यार। आज आपकी ना किडनैपिंग होगी। किडनैपिंग पता है आपको क्या होता है? पापा ना यार, प्लीज मेरे बेटे को वापस ले आओ, प्लीज वीर कम बैक प्लीज। रियल किडनैपिंग तो नहीं होगी उनकी? आ गया वापस। चलो, आज वीर ने अच्छा रोल प्ले किया। मैं चाहता हूँ वीर आगे जाके एक्टर बने। वीर ठीक हो गया? कहाँ है वीर? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड शॉट गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, हाई फाइव यार, हाई फाइव। अब किडनैपिंग तो नहीं होती, बट वैन लाइफ के लिए इस तरीके की गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा स्पेस आपको अंदर मिल जाता है। एक एक करके सारे फीचर्स डिस्कस करते हैं इस गाड़ी के। गाइज, एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताता हूँ कि नवीन भाई मल्टी लिंग्विस्टिक है, इनका हिंदी में हाथ काफ़ी अच्छा है, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि हम इस रिव्यू को हिंदी में ही बनाएंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ नवीन भाई कि आपकी स्टोरी क्या है, ये स्टार्ट कैसे हुआ? मेरा 4 साल पहले मैं आपका गाड़ी देखे था एक बार। आपका गाड़ी देखे मैं क्या सोच दिया, मैं भी वैन लाइफ करना करके बहुत इंटरेस्ट में मैं काम करने को थोड़ा ट्राई कर दिया। वो टाइम में मेरा पास नहीं हुआ। 2 साल पहले मैं एक कुकिंग चैनल ओपन कर दिया। अच्छा, कुकिंग चैनल ओपन करके एक 4-5 वीडियो कोविड टाइम में लगाने में मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे को वैन लाइफ बहुत इंटरेस्ट था पहले से भी। ओके। मैं भी एक छोटा कैरवन टाइप बनाना करके सोच के मैं, मेरा पापा का वैन है ना, वो ले लिया। पापा, तो ये आपके पापा की वैन थी? पापा का वैन है, 2004 मॉडल। मैं उनका पास मैं ले लिया। ओके, उनका मेरा ऑल्टो दे के मैं लेके आया। अच्छा, आपने अपनी ऑल्टो पापा को दी? नया गाड़ी पापा को दे के मैं पापा का पूरा। मैं बैठा हूँ को ड्राइवर सीट पे, और जैसे कि आप देख पा रहे हो ये बिल्कुल बेसिक। आई एम 100% श्योर कि आप लोग कभी ना कभी तो इस गाड़ी में बैठे ही बैठे होंगे। बचपन में हम लोग स्कूल इन्हीं गाड़ियों में जाया करते थे, एम्बुलेंसेज यही होती थी। पहले मेटाडोर होती थी, उसके बाद इको ने सब कुछ टेक ओवर कर लिया था। कार्गो भी यही होता था, सब कुछ यही होता था। तो ये सेम इंटीरियर है, इसमें कुछ नहीं चेंज किया गया एक्सेप्ट दिस। तो ये एक, हाँ ये एडिशनल लगा है फॉर एयर वेंटिलेशन। ये कूल एयर तो नहीं फेंकता होगा, रेगुलर एयर फेंकता है। अच्छा, इस गाड़ी में गाइस एसी नहीं है, एयर कंडीशनर नहीं है। तो ये भाई लोग साउथ इंडिया से समर्स के महीने में नॉर्थ इंडिया आ गए हैं विदाउट एयर कंडीशनर, तो आप
समझ सकते हो कितनी मुश्किल इनको हुई होगी। इस गाड़ी में जैसे मेरी मैटाडोर में है, इसमें भी चार गियर हैं, 1, 2, 3 एंड 4, और इसमें भी ड्रम ब्रेक्स हैं जैसी मेरी मैटाडोर में होते हैं। तो मोर और लेस आई कैन से कि काफ़ी रिलेटेबल है ये गाड़ी मेरे लिए। हाँ, थोड़े इंस्ट्रूमेंट्स इसमें ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू मैटाडोर। ये जो स्टीयरिंग है ये पावर स्टीयरिंग नहीं है, ये रेगुलर स्टीयरिंग है, इज अ मैनुअल स्टीयरिंग, राइट? मैनुअल स्टीयरिंग है गाइस। यहाँ पे ना मेरे पैर के सामने अगर आप देखोगे तो एक पानी का कंटेनर रखा है जिसको कूल केग वगैरह बोला जाता है, बेसिकली दिस इज अ वाटर कूलर। तो ये पानी का अरेंजमेंट है इस गाड़ी में। ऐसे आपके पास आपने बताया दो है, राइट? ये एक है और एक भी फुट गिट बनाने के लिए। ओके, तो इस गाड़ी में सिर्फ मुझे ये क्रैश गार्ड एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है। ये आई थिंक इलीगल है, वैसे इलीगल है और चाहिए पड़ेगा ना क्योंकि इस गाड़ी में हाँ ऑफ कोर्स ना एयर बैग है ना ही इसमें कोई आगे प्रोटेक्शन है, तो इसकी जरूरत होगी। दूसरा, इसके अलावा आप देखोगे तो इसमें दो फॉग लैंप्स हैं, दो नीचे हैं, ये येलो वाले हैं, नीचे वाइट वाले हैं, और एक ये जैसे आपको ट्रक्स में दिखाई देता है, इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, एक हैंडमेड चप्पल है लेदर की बनाई है। दिस इज फॉर अवॉइडिंग एनी ईवल आई, ये बुरी नज़र से दूर रखने के लिए है। रंजित को चाहिए। और काफ़ी अच्छी सी इसमें मतलब ब्रांडिंग करी गई है, वैन लाइफ इन इंडिया, सवारी एंड ऑफिशियल। दिस इज अमेजिंग, हाँ दिस इज अमेजिंग। अब जो मेरे नॉर्थ इंडियन भाइयों को पता है ये कौन है, प्लीज़ कॉमेंट करके बताओ ये कौन है। ही वॉज अ लिविंग लेजेंड, यू नो, ही हिज फादर वर द लिविंग लेजेंड्स। जिन मेरे भाइयों को पता है ये कौन है, प्लीज़ कॉमेंट करके बताना। गाड़ी के ऊपर गाइज अगर आप देखो तो एक टायर माउंटेड है, ये बेसिकली एक रूफ टॉप कैरियर है। इसमें एक टायर रखा गया है ब्रांड न्यू, और इधर एक अच्छा ये टेंट रखा हुआ है, और उसके ऊपर सोलर पैनल माउंटेड है। सोलर पैनल कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक ये जो सोलर पैनल है ये कितने वॉट का है? वो 100 वाट्स का है। 100 वाट्स का सोलर पैनल है। सो गाइज, इस गाड़ी में जैसे ही आप डोर्स ओपन करते हो, अच्छा इसमें वो इको वाले, इवालिया वाले सेम डोर्स चलते हैं, ये किडनैपिंग वाले डोर्स हैं। और अगर आप जैसे ही देखो तो पीछे आपको काफ़ी अच्छी अपहोल्स्ट्री दिखाई देगी। दिस इज लेदर, हाँ इज दिस लेदर और रैक्सीन? रैक्सीन विथ लेदर, दो भी मिक्स है इसमें। अच्छा, प्योर लेदर नहीं है? प्योर लेदर नहीं है, क्योंकि प्योर लेदर की मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो गाइज, ये काफ़ी अच्छा इसमें अपहोल्स्ट्री की गई है। अगर आप देखो इसमें पीछे की सीट्स रिमूव कर दी गई है, और एक सोफे जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया गया है। आई थिंक इस सोफे के अंदर काफ़ी सारा स्टोरेज भी है, राइट? आप एक बार दिखाएंगे मुझे स्टोरेज कैसा है? सो मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक चाबी लग रही है। अब ये चाबी आ गई है, ये मुझे खोल के दिखाएंगे कि इसमें इन्होंने अपने वैल्यूएबल्स आई थिंक रखे होंगे, राइट? आपने इसके अंदर क्या स्टोर करते हो आप? लैपटॉप, मेरा कैमरा पूरा सेव करना है। अच्छा, जितने भी कैमरा इक्विपमेंट्स, लैपटॉप्स, जो भी आपके इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है वो यहाँ लॉक हो जाते हैं। ये सारा कपड़ों का एक स्टोरेज बॉक्स हो गया, इसको इन्होंने लिफ्ट किया, और कपड़ों का स्टोरेज बॉक्स उस तरफ से स्पेयर पार्ट्स आ गए। ठीक है, ठीक है, इतना ही इधर। ये आप दोनों के कपड़े इसमें आ गए पूरे? ओके ओके। बाद में गैस सिलेंडर भी इसके अंदर ही आएगा। अच्छा, इसके अंदर गैस सिलेंडर भी है? नहीं, वो तो रख दिया मैं। अच्छा, बता दिया। इधर ही लगाता हूं मैं। तो आप लोग कुकिंग भी करते हो गाड़ी में? कुकिंग हम खुद करेगा। ओके, बाहर से नहीं करेगा हम। अच्छा, तो पीछे भी कोई स्टोरेज है क्या इसमें? हाँ, पीछे भी है कुकिंग आइटम, कुकर। अच्छा अच्छा अच्छा, सो बेसिकली इन्होंने क्या किया है, अपने कुकिंग के सारे इक्विपमेंट जो हैं, जो भी बर्तन जो कुछ होता है वो सारे यहाँ स्टोर कर दिए। गाइज, मीनवाइल मैं आपको ना दिखाना चाहता हूँ, ये वो वाला वाटरफॉल है जहाँ एक दिन मैंने रोक के बाइक अपनी आपको वीडियो दिखाया था। अब वापस चलते हैं इनकी गाड़ी पे। तो स्पेयर पार्ट ये लोग सारा लेके चल रहे हैं, और आई थिंक ये इन्होंने मुझे बताया प्लेट है। अच्छा, डैमेज हो, जो डैमेज हुआ था पूरा क्रैक हो गया। ओके, काफ़ी एडवेंचरस रही है इन लोगों की जर्नी। मैंने ये भी सुना कि काफ़ी सारी जगहों पे जहाँ बड़े बड़े पत्थर थे, ये लोग उतर के पत्थर हटाते थे। कई बार जब गाड़ी को धक्का लगाना पड़ता था तो धक्का लगाते थे। तो गाइज, अब हम आ जाते हैं। मैंने आपको ये पीछे वाला हिस्सा दिखाया, इसके साथ साथ अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इनके पास और भी स्टोरेज है। ये देखिए यहाँ पे रखी है एक 60 एम्पेयर की बैटरी, उधर रखा है एक आपका वी गार्ड का 1 KVA का इन्वर्टर, और यहाँ पे लगा हुआ है आपका सोलर चार्ज कंट्रोल। ये रहा सोलर चार्ज कंट्रोलर, इससे आपकी बैटरी चार्ज होती है। और ये हो गया बेसिक राशन वगैरह और बाकी का सामान यहाँ पे आ गया इन्वर्टर का पॉइंट। अच्छा, आउटसाइड से पावर के लिए। ओके ओके, दिस इज इधर कनेक्ट है। अच्छा, एक्सटर्नल पावर लेने के लिए इनके पास एक ये वाला पॉइंट है, और एक यहाँ पे मैंने देखा था चेंज ओवर लगा हुआ है। ये चेंज ओवर बेसिकली सोलर और अल्टरनेटर में स्विच करने के लिए, अगर आपको सोलर से पावर लेने से चार्ज करना है। हाँ, वही। सो अगर गाड़ी से अगर आपको चार्ज करना है तो इसके लिए है, नहीं तो आप उसको कट ऑफ भी कर सकते हो। साथ में इलेक्ट्रिक में अगर बात की जाए तो यहाँ पे पूरा एक AC का सॉकेट लगा हुआ है, जिससे आप अपने
सारे के सारे इक्विपमेंट चार्ज कर सकते हो। कूलिंग के लिए लोगों ने दो फैन इंस्टॉल किए, ये डिसेंट अच्छा काम करते हैं। अच्छा, मेरे को 24 आवर्स ऑन करेगा। अच्छा अच्छा, सो ओवरऑल गाइज आप एक बार मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूँ कि ये पीस इस तरीके से अंदर फोल्ड हो जाता है। अच्छा, दिस इज अ इंटरेस्टिंग डिज़ाइन। अगर आप इको या ओमनी बना रहे हैं या कोई इस तरह की गाड़ी बना रहे हैं, आप बना सकते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन कि आपका ये एक बेंच जैसा कुछ बन गया। हम बेंच को उठाएंगे, इस पीस को उठाएंगे और इस पीस में ऑलरेडी अपहोल्स्ट्री हुई हुई है और फोम लगा हुआ है। तो ये आपका, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन। सो ये 6 feet की लेंथ है और इसकी विड्थ अप्रॉक्सीमेटली 4 feet, 3.5-4 feet के आसपास होनी चाहिए। परफेक्ट, दिस इज गाइस परफेक्ट फॉर 2 people। ये बहुत ही पीपल आराम से सो जाएगा। अच्छा, सो अभी आप लोग तो 3 ही लोग गए थे। हां, दीस वर 3 guys, जब ये लोग गए थे तो 3 लोग थे और इनका ट्रिप बहुत ही अमेजिंग और एडवेंचरस रहा। आई थिंक दे विल नेवर फॉरगेट दिस जर्नी। और 3 लोग इसमें आराम से सोए हैं। अपनी दो टायर्स की बात करें तो इनके पास रेगुलर ये 13 इंच के टायर्स है, राइट? करेक्ट, 13 इंच के टायर्स हैं और इनके पास टोटल 6 टायर्स हैं। 2 spare tires इनके पास पड़े, एक ऊपर पड़ा है और एक इनकी स्टेपनी नीचे माउंटेड है। तो एक्स्ट्रा टायर भी लेके चल रहे हैं। इनकी प्रिपरेशन बहुत ही ज़बरदस्त है गाइस, बहुत ज़बरदस्त प्रिपरेशन है। हाँ, कहाँ से कहाँ आ गए हम लोग ना। पहले हम 12-12 इंच के टायरों में भी गाड़ियाँ चलाया करते थे, अब अपने को चाहिए होते 17-18 इंच टाइप के टायर्स। बहुत डिफरेंस आ गया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ नवीन भाई, इस गाड़ी में जो ग्राउंड क्लीयरेंस काफी कम है, वो ग्राउंड क्लीयरेंस आपकी कहीं पे ये गाड़ी नीचे लगी नहीं पूरे रूट पे? नहीं, और हम ड्राइविंग करने का ऊपर डिपेंड है वो। राइट, हम रोड में कैसा ड्राइव करे तो वैसा ही रहता गाड़ी में, डैमेजेस कम रहेगा। ऑलमोस्ट कवर करके वो पत्थर रहे तो हम कंट्रोल करके साइड में लगा के साइड से गए तो वो बेटर रहता। एक्सपीरियंस नहीं तो पूरा नीचे लगेगा, पूरा चैम्बर चुम्बर सब लगेगा पूरा। अच्छा, पहले मारने डैमेज होने का ऑयल सम घर का बगल में उसका भी घर है। अच्छा, मेरा भाई है ना, उसका फ्रेंड है। ओके, ओके। उसको ये भी बोल दिया, मेरा पास मैं भी आएगा भैया। हाँ, आपका जोड़ में ठीक है, आ जाओ। वैसा रहे तो मैं एक ही आदमी जाना, पूरा इंडिया टूर मारना। पूरा इंडिया टूर मारना, हम एक काम करेगा, मैं भी आएगा। एक 10 दिन छोड़ के मैं नहीं आएगा करके बोल दिया, फोन भी नहीं उठाया। अच्छा, वो नहीं आएगा, मैं कुछ जाएगा करके सोच के जाने का टाइम करेक्ट हो आके रेडी है। अच्छा, ठीक है, मैं आपका जोड़ में आएगा। हम जाएगा, हम मेरे को ले जाके आना। लद्दाख भी जाके आना। ओके, मैं बोल दी 1 year प्लान है। ठीक है, मैं आएगा आपका जोड़ में। अच्छा, क्या मुश्किल रहे तो भी हम फेस करेगा। अच्छा, 1 year के लिए आपने अपने फाइनेंसेस कैसे आप लोग मैनेज करने वाले हो? मेरा हाथ से डाल के मैं रेडी कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे को स्पॉन्सरशिप कौन भी नहीं है। अच्छा, मैं खुद पैसा डाल के मैं कर रहा हूँ। अच्छा, वन क्विक क्वेश्चन, आपकी जो जर्नी है 1 साल की, आप क्या क्या कवर करने वाले हो उसमें? मैं टूरिज्म प्लेस देख रहा हूँ, एग्रीकल्चर, बाद में उसका जोड़ में ये पुराना टेम्पल्स रहेगा ना, वो भी हेरिटेज वैसा मैं वो भी देख रहा हूँ। पूरा कंट्री करना है आपको? पूरा करना, मैं 29 state में दिल्ली एक छोड़ के 28 state कवर करना। गाइस, दिल्ली कोई नहीं आना चाहता फॉर ऑब्वियस रीजन। मैं भी दिल्ली से मूव हो गया था क्योंकि 10 साल का डीजल गाड़ी का बैन है, 15 साल पेट्रोल गाड़ी का बैन है। दिल्ली कोई नहीं आना चाहता, बट आना तो चाहते है बट आ नहीं सकते। दिल्ली आना जाएगा करके सोच रहा था मैं, उधर गए तो हमारा पुराना गाड़ी है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में। राइट, इसलिए मैं वो भी छोड़ दिया मैं। अच्छा, अभी तक इस गाड़ी में आपको कोई डिफिकल्टी आई कहीं पे? नहीं, मेरे को थोड़ा पंजाब में बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। अच्छा, पंजाब में पुलिस वाला है ना, एंट्री फीस करके बोल के कार्टन डाल दिया करके बोल के 10,000 पूछ दिया मेरा पास। अच्छा, मैं बाद में उनको बात करके 1,000 रुपए में फिनिश करके गाड़ी बाहर लेके आया मैं। अच्छा, गोल्डन टेम्पल जा रहा था मैं। अच्छा, ओके, तो अमृतसर में भाई लोगों के साथ छोटा सा कांड हो गया। अमृतसर नहीं जाने को हो गया। नहीं गए उधर एंट्री होने का बहुत मुश्किल कर दिया मेरे को। अच्छा, सो पंजाब रह गए। अच्छा, आप लोग अभी कहाँ कहाँ से होके आए हो, क्या क्या कवर कर लिया? मैं पहले उत्तर कन्नड़ा कर्नाटक में वो भी फिनिश कर दिया। राइट, उधर से गोवा एंट्री हो गया। ओके, गोवा फिनिश करके MH महाराष्ट्र, ठीक है, उधर गया। उधर से गुजरात, ठीक है, गुजरात से पंजाब, पंजाब से इधर ही राजस्थान भी गया। ओके, उदयपुर भी। और अभी आपकी ये जो जर्नी, आप लेह से होके आ रहे हो, इस जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताओगे? लेह बहुत डिफिकल्ट है रोड। हाँ, वो एक्सपीरियंस नहीं तो ड्राइव मत करना उधर। अच्छा, क्या क्या क्या, क्या, क्या हुआ आपके साथ? मेरा को प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है उधर, सपोर्टिंग एक आदमी भी नहीं मिलेगा। अच्छा, गाड़ी किधर तो लॉक हुआ तो उधर ही रहना पड़ेगा, हमें खुद करके बाहर लेके आना पड़ेगा। बाद में AC
एसी नहीं तो गाड़ी चलाने को नहीं होता, हमारा नॉन एसी गाड़ी है, पानी गिरने का पूरा फ्रीज हो रहा था। अच्छा, वो शॉर्ट ऑफ फुटेज मेरा पास भी है। अच्छा, वो भी दिएगा आपको चाहिए? ठीक है, हाँ प्लीज प्लीज। मैं फुल फ्रीज होके बाद में नाइफ लेके पूरा कट करके उठाया बाद में। अच्छा, वैसा हो गया। विस्की नल में ऑक्सीजन इश्यू, उसको -25 होके ऑक्सीजन नहीं आता, ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेके मैं बाद में ऑक्सीजन दे दिया। अच्छा, मेरे को हेडेक हुआ था, वो दूसरा मेरा फ्रेंड है ना मनीष, उनको वॉमिट हो गया था। अच्छा, एएमएस के सिम्टम स्टार्ट हो गए थे। ओके, वो एक वो दे ऑलमोस्ट विस्की नाला कौन भी स्टे नहीं उधर। अच्छा, उधर ही थोड़ा प्रॉब्लम हो के मैं सोची इसको एक ही प्रॉब्लम है, पूरा आदमी को यही प्रॉब्लम है, हेडेक वगैरह, हेडेक, वॉमिटिंग। सो गाइस, इन लोगों को लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से एएमएस के सिम्टम्स स्टार्ट हो गए थे। एएमएस के सिम्टम्स में, अच्छा, एएमएस स्टैंड्स फॉर अक्यूट माउंटेन सिकनेस। तो जनरली पहले सिम्टम्स आपके होते हैं हेडेक, सबसे पहले आपको हेडेक होना स्टार्ट होता है, सेकंड होता है आपकी एपेटाइट लॉस, थर्ड होता है आपको वॉमिटिंग्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। गाड़ी को क्या प्रॉब्लम आई? गाड़ी को कुछ, गाड़ी को मैं मनाली में रेडी करके गया, नया क्लच प्लेट पूरा लगा के गया, उधर जाने में फुल बर्न हो गया। अच्छा, इधर बहुत पैसा भी दे दिया हम मनाली में, मनाली में उधर जाके 1650 को नया क्लच प्लेट लेबर। अच्छा, आपने मनाली में क्लच प्लेट चेंज कराई, वो लेह तक जाके खत्म हो गई। इधर ही इनका गलत है। अच्छा, इन्होंने बेयरिंग नहीं लगाता, गाड़ी को बेयरिंग लगा के थोड़ा प्रॉब्लम कर दिया चलाया। तो आप दोनों में ड्राइव सिर्फ आप करते हो, राइट? मैं एक ही करेगा। और आप सिर्फ कैमरा हैंडल कर रहे हो? कैमरा, इलेक्ट्रिकल वर्क वो देखेगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक वर्क, कैमरा, ये आपका डिपार्टमेंट, ड्राइविंग, ड्राइविंग दोनों हम करें। अच्छा, और खाना कौन बनाता है? खाना मैं बनाएगा, ऑलमोस्ट 90% मैं ही बनाता। अच्छा, आप ही बनाते हो? वेरी नाइस। वो भी बनाता, वो चावल गेवल रख के वो भी बनाता। सांभर, वो चावल, इधर चावल सांभर का काम मेरा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और एडजस्ट करके चले जाए। इसके बाद आप लोग कहाँ जा रहे हो? इधर से शिमला जाना करके सोच रहा हूँ मैं। शिमला, और शिमला के बाद उधर से देखना, नेपाल एंट्री नहीं दे रहा अभी। अच्छा, मिल गए तो एंट्री, यहाँ से सीधे नेपाल, नेपाल भूटान कवर करके आएगा। भाई बहुत क्रेजी लोग हैं यार, ये बहुत क्रेजी लोग हैं। सो गाइज, जो लोग सोच रहे हैं कि कौन सी गाड़ी, क्या गाड़ी, कितने का खर्चा करूँ, जो है उससे स्टार्ट करो। और दिस इज 2004 और ये लोग ले करके आ गए हैं इसमें। अब लेह से वर्स कोई रूट तो हो नहीं सकता इंडिया में, इन टर्म्स ऑफ ऑल्टीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ रोड कंडीशन, इन टर्म्स ऑफ वेदर कंडीशन, सब कुछ ये करके आ गए हैं। गाड़ी परफेक्टली आ चुकी है मनाली और अब ये यहाँ से जा रहे हैं शिमला। सो गाइज, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी यार, आप लोगों का यात्रा मंगलमय हो। और गाइज, अगर आप ये देख रहे हो, ये लोग, अब इनका चैनल मैंने आपको बता दिया, इनका चैनल है सवारी एंड ऑफिशियल, आप इसको सब्सक्राइब करो। ये लोग आपके शहर में आएंगे, स्टेट में आएंगे, इनको तो प्लीज हमको सपोर्ट दे के, हाँ, वो उनका लिंक मिल गया तो हम उनका पास ही चले जाएगा। हाँ, तो गाइज, अगर आपके पास स्पेस है पार्किंग का, क्योंकि होता क्या है, ये लोग भाई लोग आ रहे हैं साउथ इंडिया से, राइट, और नॉर्थ इंडिया में जनरली इनको जो पार्किंग स्पेसेस की होगी थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि ऑफकोर्स जजमेंटल बहुत है हमारी सोसाइटी। तो कोशिश करना कि गाइज, अगर आप लोगों के पास पार्किंग स्पेस है, अलाउ देम टू पार्क द व्हीकल, अगर ये आपके शहर आ रहे हैं। अच्छा लगेगा आपको इनकी स्टोरी सुन के। चलो, चेक ये गाइस, चीयर्स मैन। हाँ, चीयर्स।